सभी भाइयों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना सुरेंद्र सनसनीवाल, सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो एक और वीडियो लेके आ रहे हैं, जानी पहचानी जगह और जानी पहचानी हस्ती कहेंगे, क्योंकि जब भी वीडियो डालते हैं लाख दो लाख भाई चार लाख भाई तुरंत ताऊ जी के यहाँ से जो भी वीडियो आती है उसको देखते हैं, पसंद करते हैं। बताना चाहूँगा आज हम पांडवान गाँव में हैं। पांडवान गाँव चरखी दादरी ज़िले में है और हमारा जो हरियाणा का आखिरी छोर कह सकते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे राजस्थान शुरू हो जाता है। तो ताऊ जी से बात करेंगे, डिटेल से जानकारी लेंगे। जब भी हम ताऊ जी के यहाँ पे वीडियो बनाने आते हैं बहुत ही शानदार और बहुत बड़े बड़े अडर वाले पशु हमें देखने को मिलते हैं और क्वालिटी ही ताऊ जी के यहाँ मिलती है। ज़्यादा लो क्वालिटी की भैंसे या कहें लाख रुपये से नीचे की भैंसे किसी भी वीडियो में हमको देखने के लिए नहीं मिली है। आज की वीडियो में भी देखेंगे आप बहुत बड़े बड़े अडर की और बहुत ही शानदार क्वालिटी की जोटियाँ सामने आप देख भी पा रहे होंगे। चार एनिमल आज की वीडियो में हम दिखाएंगे, चार पांच एनिमल और सारी की सारी भैंसे बहुत ही सुपर क्वालिटी की दिखाई दे रही हैं। ताऊ जी से बात करते हैं, डिटेल से जानकारी लेंगे। जो भी भाई हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। और जो भाई हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो हमारे पेज को लाइक करें ताकि यहाँ भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक ठोक दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी बात करेंगे ताऊ जी से और भैंसों के बारे में पूछेंगे। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो ताऊ जी आज कितने पशु हैं अपने पास? ये छः है जी, दो साल कर रखी है आज की तारीख में। अच्छा, छः हैं और दो सेल हो चुकी हैं। जो सेल हुई है वो कहाँ जाएंगी? ये जी वो अगर गुड़गांव में साइड तक जाएंगी। हरियाणा में रहेंगी या यूपी में जाएंगी? हरियाणा में रहेंगी। ठीक है, तो किधर से शुरू करेंगे? एक नंबर वाली जोटी से ही शुरू करते हैं। खोल लो भाई इसको, छोटे भाई खोल। तो ताऊ जी कौन से ब्यात की जोटी है ये? दूसरे ब्यात की है जी। दूसरे ब्यात की। कितना दूध है इसमें? इसमें जी 25 प्लस तो नहीं है, पूरी 25 हो उसके, 25 प्लस, 24.5 और 25 किलो के बीच में है ये कह सकते हैं। ये देखिए दूसरे ब्यात की जोटी 24.5 और 25 किलो के बीच में दूध इसमें अभी फिलहाल तैयार है और बहुत ही सुंदर है। कितने दिन की ब्याई हो चुकी है ताऊ जी? 18-20 दिन की ब्याई। 18-20 दिन की। तो इसमें इसके पीछे कटड़ा है कि कटड़ी? इसके पीछे कटड़ा है। देखिए बहुत ही शानदार जोटी, बहुत बढ़िया छोटे सिंह की। और जब भी हम वीडियो बनाने आते हैं ताऊ जी के यहाँ कोई ना कोई 25 किलो के नज़दीक लगती हुई भैंस हमें ज़रूर मिलती है। और अडर देखिए 25 किलो दूध लेके, मैं कहूँगा 12-12.5 किलो दूध एक टाइम का अडर में लेके चलना भी बहुत बड़ी बात है किसी भी भैंस के लिए। ये देखिए क्वालिटी, अडर देखिए काफ़ी बड़ा, बहुत ही शानदार क्वालिटी की जोटी। और आगे भी पीछे भी मैं कहूँगा नाभी से लेकर पीछे तक बहुत ही बड़े अडर वाली जोटी है ये देखिए। तो ताऊ जी इसमें अभी फिलहाल कितने दिन हो गए अपने पास आए हुए इसको? 10 दिन हो गए। ठीक है, तो कोई भी भाई पशु लेना चाहता है तो आके दूध कांटे पे तोल के दो टाइम तीन टाइम देख सकता है आपके पास? ठीक है जी। सारी पैसे कांटे पे तोल के ही देते होगे ताऊ जी? कांटे पर तोल के दे जी। अभी अंडा बैंडी को नहीं करना, अभी टिक्का बिंदी कालस लगाना, डाई मारना, सिंग टूटा फूटा एंड बैंड, इमा अगली भैंस पर जाओ जी, पूरा खुल के बताऊंगा। ठीक है, ले आओ भाई खोलो इसको। ये कौन से ब्यात की है? ये जी पता नहीं, दूसरे ब्यात की है, तीसरे ब्यात की है। अच्छा, दूसरे तीसरे ब्यात की है। कितना दूध दे रही है ये? अच्छा, इसका न्यू भरोसा नहीं है, आपने मैं खुल के बताऊं जी। खोल रहे तो ताऊ जी इसका सींग कैसे टूट गया? क्या मालूम जी, मैं तो ये परसों ले आया था, ये पीछे का दवाई पानी में लगा के गाल के अगले सेट करा के देखो, सूखा पड़ा के देखो पट्टिया काम है जी। हाँ, दो सींग की करके ली थी आपने? परसों तो इसका तो पहले का सींग टूटा हुआ लग रहा है। हाँ जी, कम से कम 2-4 महीना पहले का जी। हाँ, ये देखिए ताऊ जी ने हमें दिखाया, ये सींग में से ना कोई खून निकला, वैसे ही इसका टूटा हुए सींग के ऊपर एमसील वगैरह लगा के इसको दो सिंग की बना के दिया। और तो ताऊ जी इसमें दूध कितना है? दूध इसमें जी मालिक की दया से पूरी 26 किलो है।
अच्छा 26 किलो पूरी 26 है। अच्छा 25.5 और 26 के बीच में है। हाँ, 25-26 के बीच में है जी। ठीक है ठीक है, तो अपने पास कब आई है ये? ये परसों ले आया हूँ जी। परसों आई है, दूध से कम नहीं हुई फिर वहाँ से? तक तो फालतू हुई है जी। अच्छा, बोलना गलत है। तो ताऊ जी ये दूसरे या तीसरे ब्यांत की है, और ताऊ जी के साथ देखिए धोखा भी हुआ, दो सिंह की करके लेके आए थे लेकिन एक सिंह निकला एक रात को ही। कब निकला ताऊ जी, दिन में या रात में? ये सामने जो भैया भीतर से बाहर बांध के शाम को निकला था। ठीक है, ताऊ सिंह तो खोर में पड़ा है मखो भाई। ठीक है, जो हो गया तो ठीक है। तो अभी दूध कितना है इसमें? 25-26 किलो दूध है। खोल के दिखाओ भाई, दूसरे तीसरे ब्यांत की भैंस जोटी, जिसमें मैं कहूँगा एक किस्म से ताऊ जी के साथ धोखा भी हुआ लेकिन क्वालिटी दूध के हिसाब से बहुत बढ़िया धोखा भी हो गया। शायद क्या पता इसी चक्कर में मालिक ने जल्दी बेच दिया हो, और अगर ये सिंह टूटा हुआ नहीं होता तो क्या पता ताऊ जी के पास आती भी नहीं। लेकिन बाकी धोखा किसी के साथ भी गलत है, बहुत सारे भाई माथे में डाई मार के दे देते हैं। और ये ताऊ जी ने भी बताया, अब तो मेरे ख्याल से सिंहों को डंडी लगा के चेक करके लेके आना पड़ा करेगा अगर ऐसा होता रहा तो। बाकी गलत है किसी के साथ भी धोखा करना। आप अगर इसको एक सिंह की करके डेढ़ सिंह की करके भी बेचते तो भी भैंस बिकने वाली थी, ऐसा नहीं है कि ये भैंस ना बिकती। कितने एक दिन की ब्याई हुई है ताऊ जी? ये 20-22 दिन की ब्याई हुई है और 26 किलो के आसपास है। बहुत ही शानदार जोटी भैंस, देखिए बहुत बड़े अड्र की, टाइट अड्र की है। पहले वाली जोटी आपने देखी बड़ा अड्र है लेकिन इससे एक किलो दूध कम है, और ये देखिए काफ़ी टाइट अड्र की है और दूध काफ़ी बढ़िया दे रही है। ये देखिए इससे आगे फिर एक और जोटी, ये कौन से ब्यांत की है जी? ये दूसरे ब्यांत की है। दूसरे ब्यांत की? ये दूसरे ब्यांत की है जी। इसमें आते कम से कम 20-21 किलो दूध हो जाने पर थोड़ा बुखार आ गया था जी। हाँ, आज इसका दूध पक्का 18 किलो है जी। 18 किलो दूध है, खोलो भाई इसको। दूसरे ब्यांत की है, 18 किलो दूध है। ये कितने दिन की ब्याई हुई है? 13-14 दिन की ब्याई में 18 किलो दूध। देखिए छोटे सिंह के बिल्कुल शानदार, बहुत ही शानदार जोटी। ये देखिए बहुत बढ़िया ले आ भाई, बहुत ही बढ़िया जोटी है देखिए। और जितनी बार भी हम ताऊ जी के यहाँ वीडियो बनाने आते हैं बहुत ही शानदार क्वालिटी की वैसे रूटीन में इनके पास मिलती हैं, और ये जोटी भी बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा बढ़िया सुपर क्वालिटी की से हम कहेंगे बहुत बढ़िया। इससे आगे फिर एक और बहुत ही सुंदर जोटी नगीने जैसी, और साइज भी काफ़ी बड़ा है, पहले ब्यांत की दिखाई दे रही है। आगे आ जाओ ताऊ जी, ये कौन से पहले की है? ये पहले ब्यांत के लिए चौथा दांत दूध या खड़ा, एक दांत पड़ गया। अच्छा, चार दांत होगी? चार होगी, काट है जी, समझो तो दूध या खड़ा है लेकिन होगी चार दांत। ठीक है, तो ये ताऊ जी कितने दिन की ब्याई है, कितना दूध है, खोलो भाई। 10 दिन की ब्याई हो ली, इसके 15 किलो दूध है आज की तारीख में। 10 दिन की ब्याई में 15 किलो दूध है, चार दांत जोटी पहले ब्यांत की, 10 दिन की ब्याई हुई, 15 किलो दूध। बहुत ही शानदार पशुधन देखिए ताऊ जी के पास। और हरियाणा को जाना जाता है, बहुत सारे भाई बोल देते हैं कि हरियाणा से मुर्रा भैंसे ख़त्म हो जाएंगी अगर ऐसे ही बिकती रही तो। बताना चाहूँगा ये भैंसे काफ़ी सालों से बिक रही हैं और ये हरियाणा की धरती, यहाँ से मुर्रा ख़त्म नहीं हो सकती। देखिए बहुत ही शानदार जोटी, मैं कहूँगा कंपटीशन के लायक जोटी है, सुपर क्वालिटी की है देखिए, बहुत ही बढ़िया। ले आओ भाई, बहुत ही शानदार जोटी। जितने पशुधन आज ताऊ जी के पास देखा सारे के सारे टॉप से टॉप के। ये देखिए शो क्वालिटी की कटड़ी है, बिल्कुल छोटा मुंह, छोटे सींग, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। दूध चाहे 2 किलो कम भी दे दे लेकिन घर पे खड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। नीचे से भी दिखाना चाहूँगा, अडर देखिए काफ़ी बढ़िया लंबे अडर वाली है और थन काफ़ी बढ़िया मुट्ठी के आकार की। ये देखिए जो शो क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन कटड़ी है। तो ये चार वैसे और भी दिखानी है ताऊ जी? कोई नहीं, चार ही वैसे दिखानी है, चार है दिखानी है। तो ताऊ जी अभी कहाँ की बिक्री ज़्यादा है, पंजाब की या कहीं बाहर भी? कितने आ जाए धरती का काला पानी दो आ जाए, कोई मेरा बंदा का नहीं जी। अच्छा अच्छा, मेरे पास कोई व्यापारी की चाल नहीं, मेरे दो गरीब पीणियाँ दूध पीणियाँ व्यापारियाँ, मेरा कोई मतलब नहीं। ठीक है, दूध पीने वाले आते हैं बस, घर ही दूध पीने आओगा, आज कोई ले जाओ 12 महीना फिर आओगा, व्यापार मेरा कोई लगा नहीं। ठीक, मेरा दो राजा पंजाब तो मेरा दो राजा, गुजरात तो मेरा दो राजा जी, जो शौकीन आदमी हो ना वो मेरी बांस खरीदता है जी। ठीक है ठीक है, तो ताऊ जी ये भी बताना कि
जैसे कि दाने में क्या दे रहे हो अभी फिलहाल? तो जी वो गेहूं का दलिया बिंदोड़ा तो रांधा है जी। हाँ हाँ। और ये चोरा बोले खंडा कह दी जो खड़े बिंदोड़े की। हाँ हाँ। मिला के वो राबड़ी बना के तोड़ा के ऊपर डाल दे। ठीक है ठीक है। कोई एक बाल्टी खा, कोई डेढ़ खा, कोई दो खा, जो खाओ उनकी जो इच्छा हो खा ली। दो टाइम देते हो दाना? सुबह शाम जी। सुबह शाम दो टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये देखिए आज पांडवान गांव से हम आप भाइयों के लिए ये वीडियो लेके आए, और ताऊ जी के पास बहुत ही शानदार क्वालिटी की जोटियाँ, सारे के सारी बहुत ही सुपर क्वालिटी की। जो भी भाई वीडियो देख रहे थे, कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, और स्पेशल ताऊ जी के बारे में कमेंट्स करना। जितनी बार भी हम वीडियो बनाने आए हैं, सारे के सारी पैसे जितनी बार भी हम देखते हैं, बहुत ही सुपर क्वालिटी की इनके पास होती हैं। मेन दूध पे फोकस होता है, और दूध का पशुधन जो भी भाई लेने जाता है उसके साथ ही ब्यूटी वाले पशुधन भी निकलता रहता है, और अच्छी पैसे जो रखता है, जो बेचता है, उनके पास मैसेज भी आते रहते हैं कि हमारे पास अच्छी भैंस खड़ी है, आप देख सकते हैं। तो दाएं बाएं से फ़ोन कॉल्स भी आती रहती हैं, तो इस कारण से शानदार भैंसें ताऊ जी के पास मिलती रहती हैं। और शायद इस एरिए में दो तीन ज़िले जो आगे नारनौल महेंद्रगढ़, दूसरी साइड ये हमारी तहसील लोहारू बाजड़ा पड़ती है, यहाँ कोई ऐसा व्यापारी है भी नहीं जो इतने अच्छी भैंसे और इतनी महंगी भैंसे खरीद सकता हो। इस कारण से बढ़िया पशुधन बार बार ताऊ जी के पास मिलता है। जो भी भाई वीडियो देख रहे थे, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी आज की हमारी वीडियो। यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक करें। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।